आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में बोर्ड परीक्षाओं का बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यों और अधिकारियों के साथ इस पर व्यापक चर्चा की। क्या फैसला लिया है? बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया है। आज हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के बाद जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही। 10वीं और 12वीं देने वाले सभी छात्र छात्राएं ध्यान से सुन ले। इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को बड़ी एवं महत्वपूर्ण जानकारी अगले 2 मिनट के अंदर मिलने वाली है। तो आप सभी छात्र छात्राएं चाहे शिक्षा विभाग से ताल्लुक रखते हैं या फिर 10वीं और 12वीं बोर्ड देने वाले किसी भी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, तो आप सभी के लिए इस बार बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि सरकार के द्वारा 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को इस बार अच्छे अंक हासिल करने के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम बना ली गई है। और अच्छे अंकों के साथ जो भी परीक्षार्थी टॉप करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर सेट कर ले और वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ खास होने वाला है। तो देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, आप सभी छात्रों को बता दें, आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बोर्ड अधीक्षक के साथ बड़ी बैठक की है, जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि छात्रों के प्रैक्टिकल एग्जाम कब से कब तक कराए जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही कम समय शेष रह गया है। ऐसे में बोर्ड एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं जो कि जनवरी के पहले सप्ताह में कराए जाने के दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं। वहीं सेंटर की बात कर लें तो सेंटर कहां व कैसे बनाए जाएंगे इसको लेकर अभी से ही केंद्र सरकार की तरफ से सूची जारी कर दी है। छात्रों का सेंटर किस विद्यालय में जाएगा आप बात कर लें। बोर्ड परीक्षाएं कब से होंगी? तो दोस्तों 16 फरवरी से बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा जो कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक चलने वाली है। इस बार सभी बोर्डों में करीब 2,90,00,000 परीक्षार्थियों ने बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन किया है। 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले इन छात्रों की एक नए टेक्निक को समझना होगा, क्योंकि इस बार की बोर्ड परीक्षा का पेपर समझे बिना बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं सभी छात्र, इसके लिए बहुत ही बड़ी खबर है हमारे पास जो कि आपको समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि आपको उससे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस लेसन का है। इसके लिए सरकार ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है कि छात्रों के पेपर से पहले ही एक ब्लूप्रिंट पेपर जारी कर दिया जाएगा, जिसमें वे सभी पार्ट जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे सारा पैटर्न बनाकर तैयार कर लिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जानकारी उसमें दी हुई होगी। सरकार का छात्रों को क्वेश्चन लिखने के तरीके को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। इंटर हो या हाई स्कूल तक छात्र पढ़ के सटीक आंसर लिख के नंबर अभी तक आसानी से पा लेते थे, लेकिन अब आप इंटर में आए, कोर्स बड़ा हो गया है तो छात्र छात्राओं को इसके अलावा रटा हुआ तो है ही आपके पास, लेकिन आपको उसी से रिलेटेड बनाकर क्वेश्चन को और भी बड़े तरीके से रिलेटेड बहुत ही साफ सुथरा हैंडराइटिंग के साथ अगर आप लिखते हैं तो आपको तब पूरे में पूरे नंबर दिए जाते हैं। रटा हुआ लिखने से पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। अगर आप उसी को और इम्प्रूवमेंट्स के साथ अपने आंसर लिखने के तरीके को इम्प्रूव करेंगे तो आप एक बेहतरीन अंक पाकर टॉपर छात्र बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से सभी बोर्डों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें।